डीजीपी संजय कुंडू ने कहा कि हिमाचल के सीमावर्ती क्षेत्रों में सुरक्षा को और मजबूत बनाने के लिए शिमला, कुल्लू और नूरपुर में कमांडो यूनिट गठित करने के लिए प्रदेश सरकार के समक्ष प्रस्ताव रखा गया है। उन्होंने कहा कि शिमला की बजाय धर्मशाला में डीआईजी इंटेलिजेंस बिठाने का मामला भी सरकार के समक्ष रखा गया है, जिससे पठानकोट और पंजाब के साथ लगने वाले सीमावर्ती क्षेत्रों में खुफिया गतिविधियों को और पुख्ता किया जा सके। साइबर अपराध पर नजर रखने व इसे रोकने के मकसद से शिमला के बाद मंडी और धर्मशाला में साइबर थाने खोलने को लेकर भी सरकार को प्रस्ताव दिया गया है। डीजीपी बनने के बाद पहली बार धर्मशाला दौरे पर आए संजय कुंडू ने ये बात पत्रकार वार्ता में कही। उन्होंने कहा कि कांगड़ा जिला की सीमा के साथ लगते पठानकोट क्षेत्र में हुई आतंकी घटनाओं को लेकर हिमाचल पुलिस को और अधिक सशक्त बनाने के लिए सरकार से आग्रह किया गया है। डीजीपी कुंडू ने हिमाचल के दो जिलों किन्नौर और लाहौल स्पीति के साथ लगती चीन की 240 किलोमीटर लंबी सीमावर्ती इलाकों में घटती जनसंख्या पर चिंता व्यक्त करते हुए कहा कि घटती जनसंख्या सीमावर्ती इलाकों में बदलते घटनाक्रम एक और मुश्किल पैदा कर रही है। सीमावर्ती इलाकों में आम ग्रामीणों की मदद से सीमाओं का निरीक्षण तथा किसी भी तरह के बदलाव पर बारीक जानकारी रखी जा सकती है, लेकिन रोजगार के अभाव में पिछले कुछ वर्षों से ग्रामीण शहरों और माइग्रेट कर रहे हैं। पुलिस महानिदेशक संजय कुंडू ने हिमाचल सरकार को सुझाव देते हुए कहा कि सीमावर्ती इलाकों में आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा देने से न सिर्फ वहाँ के ग्रामीणों को रोजगार मिलेगा, बल्कि ग्रामीणों की मदद से सीमावर्ती इलाकों में पुलिस तथा सैनिकों द्वारा रखना सीमा की निगरानी भी आसान हो जाएगी। 15 जून को लेह की गलवान घाटी की घटना को लेकर पुलिस महानिदेशक संजय कुंडू ने कहा कि हिमाचल पुलिस द्वारा 240 किलोमीटर की सीमावर्ती इलाकों का 5 नौजवान आईपीएस अफसरों द्वारा इलाकों का निरीक्षण करवाया गया, जिसकी रिपोर्ट उन्होंने राज्यपाल, राज्य सरकार सहित रक्षा मंत्रालय तथा गृह मंत्रालय को भेजी गई है। रिपोर्ट में दिए गए सुझावों को गृह मंत्रालय, रक्षा मंत्रालय से काफी प्रोत्साहन भी मिला है। संजय कुंडू ने कहा कि इस रिपोर्ट में मुख्यतः दो बातों को रखा गया है, पहला प्लान को रोकना तथा दूसरा बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना प्राथमिकता रहेगी। कुंडू ने बताया कि सितंबर में मनाली से लेह को जोड़ने वाली अटल टनल का उद्घाटन प्रधानमंत्री द्वारा किया जाएगा, जिसकी महत्व भौगोलिक रूप से काफी ज्यादा है, जिसका कारण लेह मनाली कनेक्टिविटी बढ़ जाएगी। इसके अलावा पुलिस महानिदेशक ने कहा कि पंजाब की तर्ज पर नशे के काले कारोबार को रोकने के लिए नार्कोटिक्स क्राइम यूनिट बनाने और इसे मजबूत करने के लिए सरकार के समक्ष सुझाव रखे हैं। पत्रकार बंधुओं का यहाँ आने पर स्वागत है। आप जानते हैं कि कोरोना का दौर चल रहा है और इस दौर में मैं कुछ दिन कांगड़ा का दौरा करने के लिए आया हूँ। आज सबसे पहले तो पुलिस ट्रेनिंग कॉलेज ड्रो है, आज उसने 25 साल कंप्लीट किए हैं, तो सिल्वर जुबली फंक्शन था। तो कल मैं आया था तो कल वहाँ का भी रिव्यू किया। आज सुबह एक भव्य परेड हुई और आपको जान के खुशी होगी कि पिछले 25 साल में ड्रो एक अच्छा पुलिस ट्रेनिंग कॉलेज उभर कर आया है। इसमें 11,000 से ज़्यादा कांस्टेबल्स की ट्रेनिंग हुई है, करीब 60 डीएसपीज़ की ट्रेनिंग हुई है, ऐसे ही प्रोबेशनरी सब इंस्पेक्टर्स की सैकड़ों में ट्रेनिंग हुई है और कुछ साल से आईपीएस के भी प्रोबेशनर्स हैं, इनकी भी ट्रेनिंग हो रही है। और हम चाहते हैं कि आज उसकी सिल्वर जुबली मनाई है और जब तक गोल्डन जुबली हो तब तक वो देश के ना केवल अव्वल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स में हो परंतु विदेश के भी और पूरे विश्व में भी वो एक अव्वल दर्जे का ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट हो। और उनके कुछ मसले थे, जैसे 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 कैपेसिटी बढ़ती जा रही है उस हिसाब से उनका रिक्वेस्ट था कि इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाया जाए और ट्रेनिंग की कैपेसिटी बढ़ाई जाए। आप जानते हैं कि हमारे काफ़ी बड़े बैचेस अभी ट्रेनिंग में हैं, हमारी ट्रेनिंग की कैपेसिटी लिमिटेड है, जिसकी वजह से एक बड़ा बैच तो पीटीसी ड्रो में है, जो लड़कियां हैं उनकी ट्रेनिंग स्को में हो रही है और जो एक्स सर्विस मैन है उनकी ट्रेनिंग जुंगा में हो रही है। तो आज हमारे राज्य में हमको जो ट्रेनिंग की कैपेसिटी की इसकी लिमिटेशंस हैं। उसके अलावा हाल ही के कुछ सालों में ड्रो में रेलवे पुलिस की भी ट्रेनिंग हुई थी और 2015 में उसको कांस्टेबल कैटेगरी की ट्रेनिंग में बेस्ट ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट इंडिया में मिला था। तो हमने एक अच्छे कदम उसमें और पीटीसी ड्रो में उठाए हैं, जिसकी वजह से आज वो इस मुकाम तक पहुंचा है।
हम आशा करते हैं कि जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे उसका इंफ्रास्ट्रक्चर, ट्रेनिंग कैपेसिटी, केपेबिलिटी सब और बेहतर हो और अच्छा एक इंस्टीट्यूट उभर के आए। यहाँ हमने आज हमने क्राइम लॉ एंड ऑर्डर, कोविड सिचुएशन, ऑर्गेनाइज क्राइम की मीटिंग रखी है आपके साथ, जब हम संवाद खत्म हो जाएगा उसके बाद, और उसके बाद कल मैंने बॉर्डर एरियाज का दौरा रखा है। और मैं थोड़ा सा पहले आपको बैकग्राउंड बताता हूँ कि 15 जून को गलवान में, जो लेह लद्दाख में है, चीनी फौज के साथ हमारी फौज का झगड़ा हुआ था, जिसमें हमारे कई सैनिकों ने अपनी जान देश के लिए निछावर की थी। आप जानते हैं हमारा भी 240 किलोमीटर बॉर्डर चीन के साथ है, जिसमें करीब 160 किलोमीटर की नॉर्म है और 80 किलोमीटर स्पीति जो है, सब डिवीजन ऑफ लाहौल स्पीति उसमें है। जब हालात थोड़े से बिगड़े थे तो गवर्नर साहब ने हमको आदेश दिया था कि आप जो बॉर्डर एरियाज में जो गांव हैं उनका कॉन्फिडेंस बिल्डिंग कीजिए और अपने कुछ टीम भेजिए और बॉर्डर में क्या सिचुएशन है इसको असेस करें और करेक्टली फीडबैक दें। तो मेरे को बड़ा गर्व है कि हमने 5 कमांडेंट्स, यंग आईपीएस ऑफिसर्स भेजे, जो 36 गांव जो हैं किन्नौर के बॉर्डर पे हैं और 12 गांव स्पीति के बॉर्डर पे हैं, इसका 10-10 दिन दौरा करके आए, बॉर्डर तक जाके आए, पूरे बॉर्डर की क्या क्या असेसमेंट है उसको करके आए, उसकी रिपोर्ट हमने गवर्नर साहब को दी। गवर्नर साहब ने भी माननीय राजनाथ सिंह जो डिफेंस मिनिस्टर है, रक्षा मंत्री भारत सरकार के, क्या क्या कदम उठाने चाहिए वो किए उसमें, और उसमें हमने गवर्नर साहब के सामने प्रेजेंटेशन दी राजभवन में। सीएम साहब इतने खुश थे, उन्होंने बोला कि कैबिनेट को भी आप प्रेजेंटेशन दो, तो 11 तारीख को हमने 2 घंटे कैबिनेट में भी प्रेजेंटेशन दी, और जो स्टेट कैबिनेट है वो भी बड़े खुश थे, वो वेरी हैप्पी कि बड़ा अच्छा काम हुआ है।